तो गुड मॉर्निंग क्लास, स्टडी पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम पढ़ रहे हैं यहां पर साइंस। ठीक है, तो साइंस के अंतर्गत हम फिजिक्स व केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और आज हम जो पढ़ने जाएंगे वह है केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टडी पोर्टल पर आपको विभिन्न एग्जाम्स जैसे KVS, NVS, BSSB और सिंटेट, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो वीडियो लेक्चर्स वो उपलब्ध हैं। साथ के साथ आपको प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। केमिकल रिएक्शंस को हम पढ़ रहे हैं और जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले वाले जो क्लास है उसमें हमने क्या पढ़ा था, एसिड बेस साल्ट्स एंड pH वैल्यू, ये पढ़ा। आज हम अपने कुछ नया एक चैप्टर लेने जा रहे हैं जिस जो है केमिकल सिंबल्स, केमिकल रिएक्शंस एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि जो रासायनिक संकेत होते हैं, समीकरण और जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक, तो उसी चैप्टर के अंतर्गत हम जो सारे टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, रासायनिक संकेत। केमिकल सिंबल, केमिकल सिंबल। तो केमिकल सिंबल से आप क्या समझते हैं? केमिकल सिंबल का अर्थ है कि जो जितने भी हमारे केमिकल्स आज तक फाउंड हुए हैं उनको दर्शाने के लिए उनके नाम के बजाय एक संक्षिप्त क्या करना, अक्षर का प्रयोग करना, उसी को हम क्या कहेंगे कि वो उसका केमिकल सिंबल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्बन, तो कार्बन को हम क्या दिखाते हैं, सी, इस तरीके से दिखाते हैं। वैसे ही हम मैं बात करूं ऑक्सीजन, उसको हम किसे दिखाते हैं, ओ। तो ये इसके क्या है, रासायनिक सिंबल या केमिकल सिंबल्स हैं। और ये तो सिंपल से होते हैं, लेकिन अगर दोनों एक जैसे हो जाएं, जैसे ब्रोमीन ब्रोमीन इसका होता है बी। ठीक है, तो सॉरी, ब्रोमीन का बी नहीं होता है, बोरोन का बी होता है। ठीक है, बोरोन बी। लेकिन अगर मुझे ब्रोमीन को भी दिखाना है तो क्या होगा, फिर मुझे एक और अक्षर को लेना पड़ेगा, वो है बी आर। ठीक है, जिसमें जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल में लिखा जाता है और जो दूसरा वर्ड है वो स्मॉल में लिखा जाता है, या स्मॉल आर से इसको डिनोट किया जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम, तो इसको हम किसे दिखाते हैं, Mg, कैपिटल जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल और सेकेंड वाला स्मॉल, इस तरीके से हम दिखाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं, इस वजह से उनका जो थोड़ा सिंबल अलग होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं सोडियम, सोडियम, अब सोडियम वैसे तो सोडियम के हिसाब से एस आई होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, इसका सिंबल एन ए होता है, हम सब जानते हैं। तो इस क्योंकि ये लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है नाइट्रेट। ठीक है, तो इसी के आधार पर इसको लिया गया है। जैसे कि अगर सिल्वर की बात करूं मैं, सिल्वर या चांदी जिसको कहते हैं आप, तो सिल्वर एस आई होना चाहिए था, लेकिन ये चूंकि लैटिन भाषा से लिया गया तो इसीलिए इसका जो सिंबल है वो एजी है। जो एजी है उसका मतलब होता है अर्जेंटेट, है ना। तो ये है, इसी प्रकार हमें बात करो आयरन, आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है, आयरन को हम आई आर एन आयरन लिखते हैं, सिंबल होना चाहिए था आई आर, लेकिन लैटिन भाषा से लिया गया तो इसीलिए इसको लिखते हैं Fe, क्योंकि वहां पे इसका मतलब है फेरम। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सिंबल्स हैं ये
हमारे जो केमिकल्स हैं उनको संक्षिप्त रूप में बताते हैं। ठीक है, तो समझ गया कि रासायनिक संकेत या केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं। प्रत्येक इसको हम इन सिंबल्स को हम हमको मेरे ख्याल से तो सबको ही 20 तक के जो सिंबल्स हैं वो एटलीस्ट याद रहने चाहिए। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जितने भी केमिकल्स हैं उनके सिंबल्स याद रहने चाहिए। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, अगर जैसे याद रह जाएगा आपको। हाइड्रोजन का होता है 1, 2, हीलियम को दिखाते हैं HE से 3, लिथियम फिर 4, बेरिलियम 5, बोरोन 6, कार्बन 7 हो गया आपके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फिर 9 हो गया आपका फ्लोरीन, 10 हो गया आपका नियॉन। ठीक है, उसके बाद 11 हो गया आपका सोडियम, 12 हो गया आपका मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम Al, 14 सिलिकन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन Cl, फिर 18 ऑर्गन, K पोटेशियम को K से दिखाएंगे। ठीक है, 19 होता है पोटेशियम एंड 20 Ca कैल्शियम। ये तो इस तरीके से 1 to 20 तक के ये जो आपको नाम याद रखने हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आयरन, आयरन होता है 26, इसका होता है Fe6। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके सिंबल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे, हमने सिंबल्स की बात कर ली, अब है हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस। भाई किसी भी मॉलिक्यूल में जो उसके परमाणु हैं उनको अगर हम सिंबल के माध्यम से दिखाते हैं तो वो उसका रासायनिक समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे क्या होगा, ये इतना बड़ा नाम है और इसको हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते केमिस्ट्री में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो है रासायनिक समीकरण लिख देंगे इस तरीके से CO2। अब हमें इससे क्लियर हो गया कि यहां पर जो है वो कार्बन का एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से इस सिंबल की सहायता से हमें कार्बन के मॉलिक्यूल या अणु के अंदर परमाणुओं का भी पता चल गया है। तो इसी इसको इस प्रकार के जो समीकरण है उसको हम कहते हैं केमिकल सिंबल। जैसे कि H2 वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, चलते हैं आगे। अब केमिकल इक्वेशंस में हम बात करेंगे अणु मूलानुपाती सूत्र व संरचना सूत्र। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया वाटर का, इसी प्रकार आप कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं अमोनिया की NH3, तो अमोनिया का ये मॉलिक्यूल है, तो इसके अंतर्गत 3 जो एटम्स हैं वो है नाइट्रोजन के, 3 एटम्स, 1 एटम नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स हाइड्रोजन। तो ये क्या है,
अणुसूत्र या मॉलिकुलर फॉर्मूला है। दूसरा होता है इसमें मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, इसको हम कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के में उपस्थित जो परमाणु है उनकी जो संख्या का जो सरल अनुपात है, परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ अभी समझते हैं। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं C6H6, ये क्या है, बेंजीन, आप सबको पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है उनके जो मॉलिक्यूल है वो कितने हैं, 6:6, इनके बीच में अनुपात कितना है, 6:6। अगर मैं इसको काट दूं या सिंपल बना दूं तो ये 1:1 भी हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने छोटे रूप में लिया है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि यहां पर 1:1 है, और अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, C1H1, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इस प्रकार से जो ये आके निकल के आया है इसी को हम क्या कहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। यानी यहां पे हमने जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर जो परमाणु है या एटम्स है उनको सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दिया है, क्योंकि ये बड़ा रेशियो था हमने उनको तोड़ के छोटे रेशियो में लिख दिया है। तो ये इस प्रकार का जो फॉर्मूला आएगा उसको हम इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, C2H6, ये है। तो C2H6 में रेशियो जो है वो कितना है, 2:6, और इसको अगर मैं काट दूं तो कितना होगा, 2 × 2 और 2 × 3 = 6। तो इस तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं, C1H3। तो इसको मैं इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, C1H3, क्योंकि यहां पे मैंने रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया है, यानी सरल अनुपात में तोड़ दिया है। तो इस प्रकार के फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलो। आज हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के सूत्र की, वो है संरचना सूत्र, या इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यहां पर स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है इसका मतलब होता है, इसमें हमें क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसके परमाणुओं की जो डिजाइनिंग है या उसकी सजावट है उसको दिखाने वाला फॉर्मूला। ये क्या होगा, किसी अणु के अंदर उसके परमाणुओं की सजावट को दिखाने या दर्शाने वाला सूत्र, फॉर्मूला। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं तब समझ आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं H2 का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, तो इसका जो फॉर्मूला है स्ट्रक्चरल रूप से हम कैसे लिखते हैं, 1H:S, यही लिखते हैं, यानी कि H सिंगल बॉन्ड H। इससे पता चल गया कि हमारे जो मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उनकी बनावट कैसी है। NH3 अमोनिया, अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो कैसे होता है, NH और H। तो यानी कि जो तो जो नाइट्रोजन है उसके तीन तरफ से क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं, यानी ये इस पूरी व्यवस्था को दिखा रहा है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं ये स्ट्रक्चरल सूत्र है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, और देख लेते हैं,
जैसे C2H6, ठीक है, एथेन हो गया, तो इसको कैसे दिखाएंगे, सी सी दो कार्बन हो गए, अब मैं तीन हाइड्रोजन कहां लगाऊंगा, तीन यहां, एक यहां लगाऊंगा, एक यहां लगाऊंगा, एक यहां लगाऊंगा, ठीक है, छह है ना कुल, एक यहां लगाऊंगा, एक यहां लगाऊंगा, एक यहां लगाऊंगा, हो गया पूरा। इस कार्बन के भी चार पूरे हो गए, 1 2 3 4, इसके भी चार पूरे हो गए, और जो हाइड्रोजन है वो 6 हो गए और कार्बन 2 हो गए। तो इस तरीके के ये जो हमने लिख दिया है, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं इसी में इसको 4 की जगह 2 कर दूं, C2H2 कर दूं, ठीक है, सॉरी H2 4 कर दूं, 6 था ना अभी तक, तो ये अगेन क्या लिखूंगा, C2 यानी 2 C लिख दिए। अब मैं दोनों हाइड्रोजन लगा दिए, यहां भी 2 हाइड्रोजन लगा दिए, अब आप देख रहे हैं कि अभी भी कार्बन का क्या नहीं हुआ, यहां पर 1 2 3 ही बैलेंसी हुई है, इधर भी 1 2 3 ही बैलेंसी हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में एक और बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये सी डबल बॉन्ड सी हो जाएगा और बाकी का फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। तो ये है आपका संरचना सूत्र, जो कि क्या बता रहा है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो आपस में एटम्स है वो सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड है, डबल बॉन्डेड कनेक्टेड है, ट्रिपल बॉन्डेड कनेक्टेड है, और उनको उनके डिजाइनिंग को बता रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या संरचना सूत्र। ओके, तो चलिए समझ गए आप, आगे चलते हैं। आगे है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल्स के थ्रू दिखाना जो है वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो इस घटना को मुझे कैसे दिखाना होगा, सिंबल्स के थ्रू दिखाना होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से दिखाना होगा। तो यहां पर जो है, जो इस साइड जो आपस में रिएक्ट करेंगे उनको क्या कहते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट्स, और इस साइड जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, उत्पाद या प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये जो पूरी लिख दी हमने, ये क्या है, केमिकल इक्वेशंस, यानी केमिकल इक्वेशन वो है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल्स के थ्रू व्यक्त करते हैं या सिंबल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो चलिए आप समझ चुके हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। आगे अब इसमें केमिकल इक्वेशन के टाइप्स हैं कुछ, इसमें सबसे पहले है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, आई एम श्योर आपने इसका नाम सुना होगा, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी, तो नाम से ही लग रहा है कि जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है। उत्पादन यानी कि केमिकल रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान जो ऊष्मा है या हीट है वो रिलीज होती है, निकलती है, तो उस प्रकार का जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं N2 + 3H2 इक्वल टू होता है 2NH3, ठीक है। तो ये जो आपको रिएक्शन दिख रही है इसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से मिलता है और अमोनिया को बनाता है,
और इस जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारी क्या होती है, ऊष्मा रिलीज होती है, हीट को रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और साथ के साथ हीट को रिलीज करते हैं, वो ऊष्मा छेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। इसी प्रकार जो, और जो इससे पहले मैंने रिएक्शन आपको बताई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया में भी क्या होती है, बहुत सारी ऊष्मा रिलीज होती है। उसके अलावा जो चूने वाली रिएक्शन होती है, आपने देखा होगा कि जैसे ही हम नॉर्मल बुझा हुआ चूना जो होता है उसमें पानी डालते हैं, तो वो क्या करता है, तुरंत क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, ऊष्मा को निकालता है, तो वो भी एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, जो दूसरी है उसको भी देख लें। ठीक है, तो जो दूसरी रिएक्शन है वो है ऊष्मा शोषी रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसमें ठीक उसके विपरीत क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण। इसका मतलब हुआ कि ऊष्मा क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, हीट को एब्जॉर्ब होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल हो देख लेते हैं, N2 अगेन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि जब इनको हीट दी जाती है लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक, जब ये इस तरीके से हीट किए जाते हैं, तो ये हीट को बहुत सारी एब्जॉर्ब करते हैं और तब जाके ये बनाते हैं NO, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये रिएक्शन है ये आपका ऊष्मा शोषी है या एंडोथर्मिक है, क्योंकि इस रिएक्शन को बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पहले क्या चाहिए, हीट चाहिए। जब हीट देंगे तब जाके रिएक्शन आगे बढ़ेगी और प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसमें एक और एग्जाम्पल है उसको भी देख लेते हैं। कार्बन ये आपका सल्फर या गंधक जिसको आप कहते हैं, उससे जब रिएक्शन करता है तो यहां पर क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है और उसके बाद बनता है कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं बंधन ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी, बंधन ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी। तो जो बॉन्ड एनर्जी है भाई वो क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो है आपको पता है जो एटम्स हैं वो आपस में बंधे होते हैं, और उस एटम के जो आपस में बंधे होने का कारण उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड है, वो किस किस प्रकार से होता है, सिंगल बॉन्डेड बंधे हो सकते हैं, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड। तो इस प्रकार से जो बंधन ऊर्जा होगी वो क्या होगी, कि किसी अणु के परमाणुओं या एटम्स के एक मोल या इसको दोबारा देख लेते हैं, एक मोल अणु के बीच के बंधन या बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा,
आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, यानी कि जो बॉन्ड है सपोज ये एच टू है तो इनके मध्य एच एच सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी उस एनर्जी को ही हम बॉन्ड एनर्जी या बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। और ये अलग अलग होगी, अगर सपोज ये इस टाइप से है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच इथिलीन है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड्स यानी काफी मजबूत एक बॉन्ड है और इसको तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस स्थिति में इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कि किन्हीं भी जो मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए, उसके एक मोल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो बॉन्ड एनर्जी या बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अब एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी या संक्रियण ऊर्जा, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, नाम से ही पता चला है, एक्टिवेशन यानी एक्टिवेट करने के लिए। भाई कोई भी जो रिएक्शन होती है, ये इधर होते हैं रिएक्टेंट्स और यहां पर बनते हैं प्रोडक्ट्स, तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये प्रोडक्ट में अपने आप ही नहीं बदल जाते हैं, बल्कि इस जो रिएक्टेंट्स है इसके मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं इनके बीच में आपस में क्या होती है, टक्कर होती है। जब भी ये एक दूसरे के पास आते हैं इनमें आपस में टक्कर होती है जिसको हम कहते हैं कोलिजन, और इस टक्कर के पश्चात इन परमाणु इनके जो एटम्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है आपस में, और उसके बाद वो क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जितना भी इन रिएक्टेंट होगा, अगर सपोज ये एक मोल है तो इस एक मोल का पूरा जो रिएक्टेंट है वो उसके बीच में जो है कोलिजन होगा और वो प्रोडक्ट में बदलेगा, बल्कि उसमें कुछ कमी रहती है। तो यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पहले क्या देनी पड़ती है, कुछ एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, बाहर से कुछ हीट देनी पड़ती है ना। आपने भी देखा है कि कोई भी रिएक्शन है, सपोज आपको चीनी भी घोलनी है अगर चाय में, तो आप क्या करेंगे, चाय को अगर हम गर्म करते हैं तो वो ज्यादा आसानी से घुलती है, क्यों, क्योंकि उसको हीट के रूप में एक्टिवेशन के लिए एक एनर्जी मिल गई। तो एक्टिवेट करना पड़ता है रिएक्टेंट्स को, और उसके पश्चात जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे उनको उतनी पर्याप्त एनर्जी मिल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसको एक ग्राफ से समझ लेते हैं, जैसे एक मैं ग्राफ बना लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहां दिखा दी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहां पर मैं बताता हूं कि ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है ऊपर, ठीक है। अब ये यहां पर होता है आपका रिएक्टेंट, और इसको इतने एनर्जी को प्राप्त करना है और तब ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर जो बनता है उसको कहते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या संक्रियण संकुल। तो जो अभिकारक हैं अब वो प्रोडक्ट में कब बदलेंगे, जब इतनी मिनिमम एनर्जी इन रिएक्टेंट्स को प्राप्त होगी, और वो जैसे ही इस बैरियर को पार करेंगे वैसे ही वो फिर प्रोडक्ट्स में बदलना चेंज जाएंगे, क्योंकि उनको जितनी एनर्जी न्यूनतम रिक्वायर थी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने में, सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट है ए, रिएक्टेंट है ए प्लस बी, तो यहां पर जाके वो क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स उसके बीच में बनेगा इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर फाइनल प्रोडक्ट में वो क्या होगा, सी प्लस डी, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन गए।
तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है यहां तक उसको पहुंचने के लिए क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए यहां तक जाने के लिए, समझ गए, रिएक्टेंट से और यहां तक। तो इस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी या संक्रियण ऊर्जा, जो कि रिएक्टेंट्स को आवश्यक रूप से प्रोडक्ट में बदलने के लिए जरूरी होती है, समझ गए, इतना समझ लीजिए आप। तो ये है आपका ग्राफ और इसके माध्यम से आप समझ चुके हैं कि हमें क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे, अब ये हो गया। धातु संचारण हो गया, एक और रिएक्शन रह गई है, वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जिसको आप कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन वो होती है जो कि सूर्य के प्रकाश के उस उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से ऊष्मा क्या है, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन है और सूर्य के प्रकाश सनलाइट की उपस्थिति में होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं H2 हाइड्रोजन, ये गैस होती है, और Cl ये भी गैस है, तो ये जब सूर्य के प्रकाश या सनलाइट की प्रेजेंस में इनके बीच में मतलब इनको रखा जाता है, तो ये आपस में रिएक्ट करके HCl बना लेते हैं, ठीक है, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बना लेते हैं। तो ये एक क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना चाहिए, वो है आपका फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। आप सब जानते ही हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जो पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। तो उसमें क्या होता है, पेड़ पौधों के पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और प्लस इसमें क्या जुड़ेगा आपका वाटर, क्योंकि वायुमंडल में क्या होगी, नमी होगी, 6CO2 प्लस 12H2 यही होता है, और ये आपस में रिएक्शन करके बना देगा 6C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज है ना, प्लस ये बनाएगा ऑक्सीजन प्लस वाटर, है ना, वाटर के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेंगे। तो ये जो रिएक्शन है ये होती है आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में, इसको H nu से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी रिएक्शन के ऊपर अगर इस तरीके का लिखा है H nu, तो इसका मतलब वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, और वो कैसी रिएक्शन है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और ये जो रिएक्शन है इसके द्वारा जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी जो वातावरण से में नमी होती है और मिट्टी से नमी को वो खींचते हैं, उसकी उपस्थिति में और सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज और आपके ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, और ये कैसी है, फोटोकेमिकल रिएक्शन या आपकी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन का टाइप। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे अब धातु संक्षारण या मेटल कोरोजन, तो मेटल कोरोजन क्या होता है कि जो धातु होती है वो वायुमंडल में
आने होने जो हमारे वायुमंडल है उसमें उपस्थित नमी या ऑक्सीजन के संपर्क में आकर क्या बनाती है, आपका ऑक्साइड बना लेती है या हाइड्रोक्साइड बना लेती है, जिसके कारण से क्या होता है कि वो जो धातु है वो धीरे धीरे क्या होती है, उस पर एक नए प्रकार का जो पदार्थ है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वाला वो जमने लगता है और वो मुख्य जो धातु है उसको खत्म करता है और धीरे धीरे वो रिएक्शन जब तक चलती रहती है जब तक उस मुख्य धातु को क्या है पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देता है। ठीक है, तो ये धातु जो आपका संक्षारण है इसका मतलब क्या होता है कि नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड की परत का बनना, जिसके कारण जो मुख्य धातु है वो धीरे धीरे संक्षारित हो जाती है, कंटामिनेट होके और खत्म होने लग जाती है। इसका जो एग्जाम्पल है वह है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, और दूसरा तांबा, उसको भी जब हम खुली हवा में रखते तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उस हरे कलर का हो जाता, हरे कलर की परत जम जाती है। तो तांबा या जिसको ब्रास कहते हैं, तांबे का हरा हो जाना, हरा हो जाना, तो ये जो है वो है आपका संक्षारण या कोरोजन। ठीक है, इसमें जो लोहे पर जंग लगना, इसकी जो रिएक्शन है ये बार बार पूछी जाती है, यह ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको देख लेते हैं। जो आयरन है यानी कि लोहा, और इस पर हमने किसकी रिएक्शन करानी है, वायुमंडल में क्या होगी नमी, उसमें क्या होगा ऑक्सीजन प्लस वाटर भी नमी के माध्यम से होगा। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो ये किस में बनेंगे, सबसे पहले ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड कैसे बनेगा Fe2O3, और दूसरा बनेगा हाइड्रोक्साइड, ठीक है FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनता है। इसका जो स्टोइकियोमेट्री है वो होती है, ये 4 मॉलिक्यूल होगा, ये 3 और वाटर के होंगे 3 मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसके होंगे 2 मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये जो बन गया है ये भूरे रंग की परत है, भूरे रंग की परत, इसी को हम क्या कहेंगे जंग, जो कि लोहे के ऊपर धीरे धीरे क्या होगा चढ़ती जाएगी, और उस मेन जो लोहा है उसको धीरे धीरे, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो लोहा है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके इसमें चेंज होता जा रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा जो लोहा है वो खत्म हो जाएगा और केवल वहां पर ये भूरे रंग की परत ही बचेगी। तो ये क्या करते हैं मेटल को बहुत ज्यादा नुकसान करता है, और इसी से बचने के लिए क्या करते हैं फिर लोहे पर पेंट को करते हैं और ग्रीस को लगाते हैं और भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हैं, और उन्हीं जो उपाय है उनमें एक उपाय जो है वो बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो उपाय है गैल्वेनीकरण। या गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनीकरण क्या होता है कि जो लोहा है या आयरन है के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना, जिंक या ZN की परत लेयर को चढ़ाना, तो उससे क्या होता है लोहा जो है वो जंग से प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो जिंक है वो लोहे से ज्यादा रिएक्टिव होता है, अभिक्रियाशील होता है, और वो क्या करता है
जो वायु है या जो और बाकी जो नमी है वो उसी जिंक से रिएक्ट करती है, जिसके कारण लोहे को वो क्या नहीं कर पाती है, उस पर जंग नहीं लग पाता है और उसका कोरोजन नहीं होता है। कोरोजन होगा भी तो किसका होगा, जिंक हो, जिंक का होगा। तो इस प्रकार का जो लोहा है उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, ये थोड़ा महंगा आता है ये वाला लोहा। ये उच्च क्वालिटी के जो काम होते हैं बड़े बड़े रेलवे या डैम्स पुल, उनमें ये इस प्रकार का लोहा यूज होता है गैल्वेनाइज्ड, ताकि क्या ना हो किसी भी प्रकार के जंग या कोरोजन से उस चीज को नुकसान ना हो या उसका नुकसान होने का खतरा वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये है आपका गैल्वेनाइजेशन। ये याद रखना, आपकी जिंक की परत चढ़ाते हैं, ये ऑप्शन में कई बार आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने देख ली भाई। तो आज हमने कुल मिला के रासायनिक संकेतों को देख लिया, एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा रासायनिक संकेत, यानी कि हम किसी भी रासायनिक जो केमिकल है उसको किस प्रकार से सिंबल्स के माध्यम से दिखाते हैं। कार्बन को सी लिखते हैं, हाइड्रोजन का एच लिखते हैं। फिर हमने देखा रासायनिक समीकरण, समीकरण के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को उसके जो रासायनिक संकेत है या सिंबल है उसके फॉर्म में दिखाते हैं कि H2 है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल एच के हैं, कितने हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के हैं। फिर अणु सूत्र और मूलानुपातिक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला मैंने दिखा दिया आपको। फिर संरचना सूत्र में मैंने बताया कि कैसे हम क्या करते हैं, किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी जो एटम्स हैं उसको हम उसके संरचना को दिखाते हैं या उस एक तरह से उसके डिजाइनिंग को दिखाते हैं। फिर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जिस रिएक्शन में क्या है, हीट को हीट रिलीज होती है। जैसे मैंने अमोनिया का एग्जाम्पल दिया, N2+H2+3NH2, यानी NH3 अमोनिया के बनने में रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में रिलीज होती है। फिर हमने बात की ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन की, जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस पे N2+O2NO या नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा था। फिर हमने बात की बॉन्ड एनर्जी की, जो कि किसी भी बॉन्ड के मॉलिक्यूल के एक मोल को तोड़ने के लिए कितनी हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। फिर हमने बात की एक्टिवेशन एनर्जी की, कैसे जो रिएक्टेंट्स हैं उनको प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए क्या चाहिए, आवश्यक एक ऊर्जा की आवश्यकता है, ताकि वो आपस में पूरी तरीके से रिएक्ट करके प्रोडक्ट में बदल पाए। तो उस एनर्जी को जो कि उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए आवश्यक रूप से चाहिए, उसी को क्या चाहिए, कहते हैं संक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। फिर आपके धातु संक्षारण या मेटल में कोरोजन होता है, मैंने बता दिया, नमी वायुमंडल में नमी होती है, ऑक्सीजन होते हैं, इनसे वो चीज रिएक्ट करती है और क्या होता है, उस प्रकार की जो धातु है वो उसका कोरोजन होने लगता है। फिर हमने बात की लोहे पर जंग लगना, इसकी हमने रिएक्शन लिखी, और फाइनली हमने बात की गैल्वनाइजेशन या गैल्वनीकरण। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे इसमें सॉल्यूशन की। ठीक है, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी, तो क्लास आप लोग बने रहिए इसी तरीके से। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं जितना भी प्रयास कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा बहुत 50% आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बाकी आप थोड़ा बहुत अपनी बुक्स देख सकते हैं और इधर उधर से देखें तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जुड़े रहिए और हम बाकी के जो साइंस है उसको धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।